अभी मैं जैन की पनीर ग्रेवी बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 4 टमाटर लिए हैं और 2 स्पून खड़े धनिया, 1 स्पून जीरा खड़े जीरा है, और ये 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च 8-10 दाना और 2 सूखे मिर्चें हैं, 1 किंच दालचीनी है, और मैंने पिसी हुई कल की हल्दी ली है, और ये पपी सीड मैंने डाला था, और लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया, बस इतनी चीज़ें हैं उसमें। और ये जो है हमने तेल में ज़ीरा डाल करके जो हमने पीसा है मिक्सी में वो डाल दिया, फिर पनीर डाल दिया, फिर थोड़ा सा कुक होने के बाद इसमें मैं 4 स्पून कर्ड डाल रही हूँ। ये 350 ग्राम पनीर के लिए मैंने बताया है कि इसमें 4 टेबल स्पून दही और सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने बताए हैं। आप इसको तेल की जगह देसी घी में भी बना सकते हो। ये दही आप जो मैंने लास्ट में छोड़ा है आप मसालों के साथ पीसने के समय भी छोड़ सकते हैं, और एक शिमला मिर्च या फिर बीन्स चाहे कोई भी ऐसी ग्रीन जिस जो बिटर ना हो वो छोड़ सकते हैं मसालों को पीसने के साथ, तो जिससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। लास्ट में 2 टेबल स्पून घी भी छोड़ा है जो मैं दिखा नहीं पाई, और कसूरी मेथी भी आप छोड़ सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने इसमें नहीं छोड़ा, आप छोड़ सकते हैं। और मेरे चैनल पर बहुत सारे पनीर की रेसिपीज़ हैं, बिना लहसुन प्याज की पनीर की रेसिपी है, पनीर बटर मसाला, जितनी पनीर की रेसिपी लगभग आपको सभी मिल जाएंगी। अगर आपको ये मेरी पनीर की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मेरे और भी चैनल्स हैं, जैसे मेरे म्यूजिक चैनल है, भजन चैनल है और कॉमेडी चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सभी लिंक भेज दूँगी, अगर आपको अच्छा लगे तो लिंक के थ्रू जा करके आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब।